गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है और आज शाम को हम जाने वाले एक पार्टी में, क्रिसमस पार्टी में हमारे फ्रेंड है, उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। तो जैसे कि पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था ना, यहाँ पर शॉप्स वगैरह सब कैसा रौनक रहता है, तो वहाँ से कुछ एक चीज़ें हम लेकर आए थे, वो भी आज दिखाने वाले हैं। फिलहाल अभी बस सुबह की शुरुआत हो चुकी है, निर्भय भी जल्दी उठ गया था आज तो, क्योंकि वो थोड़ा एक्साइटेड था क्योंकि आज जो है ना वो बर्थडे गिफ्ट में से कुछ एक खोलने वाला है। आज ब्रेकफास्ट में हमारा बना है सॉफ्ट रवा इडली एंड कोकोनट चटनी, जो कि फ्रेश कोकोनट से बनाई हुई है। ये देखो कौन आया है। हाँ जी मोती साहब, आज आप भी इडली खाएंगे? पहले थोड़ा सा खाएंगे। रुको रुको रुको, आराम से खाएंगे, अच्छी लग रही है, खाओ खाओ। तो अभी निर्भय बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज वो अपनी अदर बर्थडे गिफ्ट खोलने वाला है। तो कौन कौन से चूज किए आपने, दिखा दो। ये वाटर गन एंड ये बबल गन। ओके, तो आज जो उसके बर्थडे गिफ्ट आपने देखे ही होंगे पिछले ब्लॉग में, जो उसने अनबॉक्सिंग किए थे सारे टॉयज दिखाए हुए हैं, तो आज ये दोनों, क्योंकि वो सारे एक साथ नहीं खोलते, तो एवरी लाइक 15 डेज और आफ्टर अ मंथ एक एक करके खोलते हैं। तो अभी ये अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अभी निर्भय चेक कर रहा है, दिखाओ पानी कहाँ तक जा रहा है। ओ पूरे वो पेड़ तक जा रहा है, अच्छा है, नाइस। क्या सोचते यार, इसमें कोई स्क्रू ड्राइवर नहीं चाहिए। सही बात। तो अभी यहाँ पर जो है हम लोग, एक तो हमने आपको भी दिखाई दिया ना, दूसरा निर्भय भी कर रहा है असेंबल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में, पेट्रोल वगैरह भी भरवाना है और कुछ है काम है। और मोती भाई साहब फिर से आ रहे हैं घूमते हुए, नहीं भी रुको एक मिनट, फिर से आ रहे हैं। आज मम्मा हमें कहाँ लेके जा रही है? और मम्मा आप बताओ, हमें पक्का रिवॉक लेके जा रहे हो कहीं और? पक्का रिवॉक लेके जा रहे हैं, आज मैं ड्राइवर बनी हुई हूँ, ये लोग दोनों पीछे बैठे हुए। ये पानी का वॉक कहाँ पड़ता है? बस सभी लेकर जा रहे हैं। चलो ठीक है, दरिया पार। हाँ। ये दो गाड़ियाँ भी उधर ही जा रही हैं, आगे वाली गाड़ियाँ भी शायद उधर ही जा रही है। और काफी ट्रैफिक कम है यहाँ पर, क्रिसमस में एकदम सन्नाटा, ऐसा कुछ हल्ला गुल्ला नहीं होता है, बहुत शांति है यहाँ। हेलो निर्भय, पीछे बैठ के कैसा लग रहा है? वो तो पीछे ही बैठता है। पीछे बैठते हो आप? आगे क्यों नहीं बैठते हो? अलाउड नहीं है। हाँ। चलो ठीक है, आप फॉलो करते हो ना रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू आर द गुड सिटीजन। शाबाश। एक ना साउथ रिंग मॉल है ये, और ये इतना छोटा सा एरिया होता है यहाँ पे ना, मतलब इट्स जस्ट अ शॉपिंग सेंटर बट नॉट रियल मॉल, बट ए शॉपिंग सेंटर विच हैज 10 to 12 शॉप्स। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ इनी चुनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन, जो कहते हैं मैरी क्रिसमस। ये फिलिंग स्टेशन होता है साथ में, और यहाँ उनके साथ एक छोटा सा फूड कोर्ट भी होता है। तो फाइनली हम लोग रिवॉक मॉल में पहुंच चुके हैं, हालांकि यहाँ भी सन्नाटा लग रहा है, सारी शॉप्स बंद है, एक सिर्फ ग्रोसरी और आई थिंक खाने पीने की चीजें ही खुली है। तो चलते हैं अंदर। हाँ 2 बजे ही सब कुछ बंद हो जाता है, संडे को भी मैक्सिमस और आज तो क्रिसमस है। तो हम ग्रोसरी वूलवर्थ्स देख रहे थे, अगर ये खुला हुआ हो, क्योंकि खाने पीने का रहता है ना इसमें, खुला है। चलो यहीं चलते हैं। ये देखिए कितने प्यारे इनके फ्लावर्स होते हैं ना, और ये तो स्पेशली क्रिसमस के लिए आए होंगे। और दुकान भी आपको दिखाते हैं, पूरी खाली है, यहाँ से लेके कोई नहीं है। आई मीन सब अपने घरों में क्रिसमस के लिए रिलैक्स कर रहे होंगे, पार्टी शार्टी कर रहे होंगे, और इसीलिए सड़कें भी बिल्कुल खाली। मज़ा आ रहा था ड्राइव करने में भी, एकदम खाली रोड्स में। तो कुछ यहाँ से लेते हैं कुछ खाने पीने का, और एक यहाँ देखते हैं और पिकन पे देखते हैं। तो फाइनली निर्भय गॉट आइसक्रीम, कौन सी आइसक्रीम खा रहे हैं? और भी फ्लेवर्स हैं, एक और आ गए। वो वॉक मॉल इतना है, जितना आप हमारे सामने देखो वो एंड है, और यहाँ पर ये लास्ट शॉप है, और यहाँ पर ये ख़त्म है, और वहाँ पर ख़त्म है। मतलब एक प्लस का साइन होता है ना, बस उतने में ही छोटा सा मॉल है। लाइक साउथ अफ्रीका से जब आप आते हैं तो ये पहला मॉल पड़ता है यहाँ पर। तो अभी हम लोग ने आइसक्रीम, हमने तो खा ली, निर्भय की रहती है, और काफ़ी अच्छा लगा, गर्मी में काफ़ी रिफ्रेशिंग रही, बहुत टाइम बाद यहाँ आकर स्पेशली खाई है। एंड और अब ये ड्राइवर बन गए और मैं निर्भय के साथ पैसेंजर बन गई, तो मैं इंजॉय करूँगी यहाँ पीछे निर्भय के साथ।
एंड बस अभी पेट्रोल फिल करवाना है, जिसके लिए स्पेशली हम लोग आए थे क्योंकि वो पास में ही है यहाँ पर, और फिर घर निकले। जब आप यहाँ पर पेट्रोल फिल करवाते हैं ना, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आपका शीशे सारे साफ कर देते हैं अच्छे से, आगे का भी और पीछे का भी। एंड हमारा तो वैसे ही बहुत गंदा हो रहा है आज। तो अभी हम लोग घर पहुँचे हैं, ये लोग अपना मैच वैच देखना शुरू हो गए, मैं थोड़ा गिफ्ट की पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ, और लंच हमारा हो गया। निर्भय अभी खा रहा है, पिज्ज़ा पराठा बनाया उसके लिए थोड़ा सा, तो बस जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ उस दिन हमने क्या खरीदा था और फिर पैकिंग करती हूँ। लिया था तो ये डिफ्यूज़र लिया था वनीला फ्लेवर और लेमन ग्रास फ्लेवर में, और ये कुछ LED लाइट जो कि हमें हाफ प्राइस में मिले थे सारी, और ये मुझे क्राफ्ट के लिए यूज़ होने वाली है, और ये लीफ शेप में है पूरी, तो ये लिया था। और एक ये स्टार्स है कुछ हैंगिंग, तो ये लिया था, तो ये सारे हमें स्पेशल पे मिल गया था ऑफर्स में। तो ये तो था हमारा, और अब जो हमने गिफ्ट देने के लिए लिया था क्लिक से, हमने लिया था ये लंच बॉक्स जो कि काफ़ी क्यूट है और अच्छा भी है। एंड फिर एक उनकी जो मतलब है, तो ये दोनों उनकी बेटी के लिए ही, और ये एक्टिविटी किट है पूरा, इसमें अंदर काफ़ी कुछ है इस तरीके से स्टेशनरी वगैरह। और एक ये स्वीट बॉक्स है जो कि यहाँ पर काफ़ी फेमस है, तो ये चीज़ें हो गई है। और इवन तो हमने दोनों पैक कर दिए, तो स्वीट तो मैंने कुछ इस तरीके से टॉफी पैकिंग कर दी है, और बाकी के जो दोनों गिफ्ट्स थे वो इसी में। एक और चीज़ मैं भूल गई थी पैक करना, तो ये मैंने अभी कर दिया। डिफ्यूज़र आपने देखा था ना वनीला और लेमन ग्रास फ्लेवर में, वो एक मैं भूल गई थी ले पैक करना, तो वो भी मैंने ऐसी फटाफट टॉफी पैकिंग में। एंड एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल ही गई, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा किसी ब्लॉग में, जब निर्भय कुछ बना रहा था क्राफ्ट वगैरह, तो वो ना क्रिसमस का कार्ड भी बना रहा था अपनी फ्रेंड की, जिनके यहाँ में जाना है, तो मैं आपको कार्ड भी दिखाती हूँ। बहुत प्यारा सा बनाया हुआ है उसने अपने हिसाब से, उसके हिसाब से मीन्स अपनी पूरी मेहनत से और विदाउट एनी हेल्प ऐसे, तो दिखाती हूँ मैं आपको। रेडी हो गई हूँ और निर्भय भी यहाँ पर तैयार हो चुका है, एंड हमारा जो गिफ्ट है वो भी रेडी हो गया। निर्भय के डैड बस आए रहे रेडी होके। मैं आपको एक ट्री दिखाती हूँ जो हमने पूरा, जिसका ट्यूटोरियल आपको हमारे क्राफ्ट चैनल पर भी मिल जाएगा, उसमें एक एक चीज़ हमने हाथ से बनाई हुई है मोस्टली, और ये है प्यारा सा क्यूट सा ट्री। मैं आप क्लोजअप व्यू भी दिखाती हूँ आपको, ये हमने ट्री बनाया था, तो यहाँ पर ये पेपर सेंटा, ये सब के ट्यूटोरियल्स, ये हमने बॉटल से सेंटा बनाए हुए हैं, सब हम आपको क्राफ्ट चैनल पर मिल जाएगा। और सारी LEDs ये स्नोमैन निर्भय ने बनाए हैं, और बाकी तो हमने ऐसे जो भी है, ये वाले डांसिंग सेंटा की वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी क्राफ्ट चैनल पर, तो ये पूरा हमने डेकोरेट किया हुआ है। और आज हम टाइम से पहले रेडी हो गए हैं, तो फाइनली टाइम हो गया है, हमने काफ़ी देर यहाँ पर थोड़ी देर ऐसे ही बैठी है, तो अभी चलते हैं। चले मतलब एग्जैक्ट पंक्चुअल हैं वो भी, और हम भी पंक्चुअल ही बनना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग टाइम से तैयार हो गए थे, टाइम से एक्चुअली पहले ही रेडी हो गए थे। तो चले गए भाई, जल्दी टीवी क्लोज करो, चलो। फाइनली हम उनके सोसाइटी में पहुंच चुके हैं, यहाँ देखिए कितनी सारी है बैक टू बैक, पीछे इधर ये अलग है, ये अलग अपार्टमेंट्स हैं और ये अलग है। मेरी क्रिसमस। तो ये हमारे अच्छे फ्रेंड है लुइस, एंड वाइफ को भी बुला। लवली जो कि आपने देखा ही होगा दिवाली ब्लॉग में, सारी फैमिली हमारे साथ है, तो अभी हम उनको ज्वाइन कर रहे हैं क्रिसमस पार्टी में। सो वी विल हैव फन, यस। ओह तो गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, नाउ दे आर गोइंग टू ओपन। Oh, this one is the card Nirbhay made for you. Thank you, Nirbhay. I made it for you, Nami. I'm trying this thing for you. Should I open this up? Yeah. Maybe I just take a video before I. Oh, I'm making a video for you. Don't worry. Yeah, oh wow. Oh wow. Show me. Nice.
Say thank you, auntie. Thank you, Navi. It's diffuser. Wow, thank you. We don't know which flavor you like it, but we thought vanilla. Okay. My lotion is vanilla. Oh, that's nice then. तो अभी मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प करवाने के लिए आ रही थी, तो उसने मुझे बताया कि फिलीपींस में क्या मतलब रिवाज होता है कि अगर कोई विजिटर आता है तो उनसे हेल्प नहीं करवाते हैं, क्योंकि अगर वो हेल्प करवाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे. सो शी इज नॉट लेटिंग मी टू हेल्प, सो शी इज डूइंग ऑल अलोन विद द स्मॉल वन. टेबल पे जितना भी खाना वाना बना हुआ है ना, वो सारा लवली ने ही बनाया हुआ है. उसकी जो वेज नूडल्स होती है, और ये कुछ दिस इज समथिंग न्यू दिस टाइम. और हमारे लिए ना ये स्पेशली सारा वेजिटेरियन खाना बना दिया स्पेशली. थैंक यू सो मच फॉर. हाँ, ये इनका ट्रेडिशनल डिश है और बहुत ही यमी होता है. व्हाट डू यू कॉल दिस? मैंगो फ्लोट. मैंगो फ्लोट, दिस वन इज मैंगो फ्लोट फिलिपिनो डिश. मेरे पहले ही कान बंद कर लिए अभी इतनी जोर से, अभी उधर बम फूटा था. तो अभी सब लोग ही डर गए थे, क्योंकि वो एक तरह से फाउंटेन था हमारे, उससे नॉर्मल चल रहा था एंड सडनली वो पट 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 करना शुरू हो गया. तो हम लोग उसे उम्मीद में खड़े हुए थे बड़ी पास पास में, और इतनी जोर जोर से वो, पर मज़ा आया देखकर. फिर एक और चलाया, बट डॉक्टर अब बंद कर देगा क्योंकि सारे नेबर्स और गार्ड सब देखने शुरू हो गए थे. टेक अवे भी कर रही है लवली हमारे लिए, जो हमें अच्छा लगा ना. व्हाट वाज दैट? Mango float and that chop suey. Chop suey and one more. This was what? Dynamite. नाम ही नहीं आता dynamite. जो भी अच्छा हमें बहुत अच्छा लगा ना, वो सारा उसने पैक कर दिया है. तो कितनी स्वीट है, देख रहे हो, मतलब हिंदुस्तानी जैसे ही है बिल्कुल. वो देखने में बस फिलीपींस है, वहाँ से है, बट बिल्कुल नेचर जो है ना, बिल्कुल हमारे हिंदुस्तानी जैसे ही है. तो इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है इनके साथ. Really a very good friend. तो इस पूरा बैग हमारे लिए रेडी हो रहा है. पूरे में खाना दे रही है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. He was so amazing. जाने का किसी का मन नहीं कर रहा है, उसको भी घर भेजने का नहीं, उसको जाने का नहीं. थैंक यू सो मच. मैरी क्रिसमस. बाहर देखो का सन्नाटा हो रहा है, सब सो रहे. बारिश शुरू हो गई है घर जाते टाइम पे. बस अभी हम लोग घर पहुंचे हैं और बारिश शुरू हो गई थी, भीगते भीगाते बस थोड़ा सा ही भीगने को मिला. और बारिश होने से ना यहाँ पे मौसम एकदम ठंडा हो जाता है, काफ़ी प्लेजेंट हो जाता है. तो बस अभी ग्यारह से ऊपर ही हो गया है, 11 बज चुके हैं. और यहीं पर आज के ब्लॉग को एंड करेंगे. तो बस इस तरीके से आज का हमारा पूरा दिन रहा, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो. एंड अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. और जैसे कि आपने देखा ही कि हमने फिलिपिन फैमिली है हमारी प्यारी सी, मतलब बिल्कुल वो इंडियन जैसे ही लगते हैं. तो उनके साथ हमने दिवाली भी सेलिब्रेट की थी और उनकी क्रिसमस भी हमने आज सेलिब्रेट की. तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा. बस यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं. बाय बाय, मिलते जल्दी नई वीडियो में. चल दें, टेक केयर.